नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। तीजन आते ही इकबा की सवारी बालाघाट एजेंटों के द्वारा बैठालना बंद। कोई भी यात्री हो चाहे कहीं भी जाना हो, कोई फ्री में नहीं जाता और न ही फ्री फोकट में जाना पसंद करता है, किंतु बस मालिक एवं बस के एजेंटों के द्वारा ज्यादा राशि कमाने के चक्कर में 40 से 50 किलोमीटर दूरी की सवारी को बैठाना बंद कर देते हैं, जबकि 40 से 50 किलोमीटर दूरी की सवारी को लेकर जरूर जाते हैं पर वापसी में लाने के लिए मना करके बेइज्जत करके उन्हें उतार देते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा बालाघाट बस स्टैंड के एजेंट आलोक द्वारा किया गया। दिनांक 4 फरवरी 2023 दिन शनिवार को नारायण बस में उकवा की सवारियां बैठी थीं, किंतु एजेंट आलोक के द्वारा उकवा की सवारी नहीं इस बस में बैठना करके उन्हें उतार दिया गया। तत्काल वह सवारी महिला सवारी थी जिन्होंने अपने पति को तत्काल उकवा फोन लगाकर इसकी सूचना दी। पति के द्वारा तत्काल रेंज ऑफिसर चौक में नारायण बस को रोका गया और पूछा गया कि भाई क्यों बालाघाट से उकवा की सवारी को लाते नहीं, तो कंडक्टर एवं ड्राइवर ने कहा कि हमारे द्वारा ऐसा कृत्य नहीं किया गया है। आलोक एजेंट के द्वारा MP 50-0-193 से उतारा गया है। ग्रामीणों ने नारायण बस को रोका और जानकारी ली। इस तरह का कृत्य एजेंटों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि शासन के द्वारा बस में एजेंट रखने का कोई प्रावधान है ही नहीं। साथ में ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बालाघाट से उकवा या उकवा से बालाघाट का किराया 50 से 55 रुपए है, किंतु एजेंटों के द्वारा 60 से 65 रुपए लिया जाता है। यह भी एक कृत्य एजेंटों के द्वारा किया जाता है। ग्रामीणों ने शासन से मांग की है एवं जिला कलेक्टर तथा जिला पुलिस अधीक्षक से मांग करते हुए कहा कि अभी शादियों का सीजन आने ही वाला है और लोग शादी ब्याह में आना जाना करते जिसमें बसों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। शासन के नियमानुसार बस में सवारी बैठाला जाए और उकवा की सवारी को पहले महत्व दिया जाए, क्योंकि उकवा 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राहगीरों ने भी यह मांग करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय, बस वालों को बुलाकर समझाइश दी जाए कि पास की सवारी ले जा लेते हो किंतु आते समय क्यों नहीं बैठाते और इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। क्या घटना घटी? अच्छा, तो उन्होंने बोले कि ये वाली बस में नहीं बैठना है। अच्छा, उकवा की सवारी ये दूसरी बस में बैठेगी। क्यों नहीं उसमें आगे की सवारी बैठा लेते हैं। अच्छा, तो वो बस उकवा से जाएगी? नहीं बोले, नहीं ऐसा तो नहीं बोले उन्होंने। अभी देखिए, अभी आपके सामने वो बस उकवा में खड़ी है, सामने में आई है, खड़ी है। आप उसके बाद में आए हैं और दोनों एक ही कंपनी की बस है? एक ही कंपनी है। ठीक है, आपको कार्रवाई चाहेंगे उनके खिलाफ? जरूर भाई, मुसीबत रहती है किसी को अर्जेंट में आना हो तो जल्दी आना। उकवा से जाते समय सवारी लिया कि नहीं? चालक समय तो नहीं मालूम। नहीं लिया था कि नहीं उकवा से सवारी? लिया था कि नहीं? लिया था। फिर लाते समय क्यों नहीं लाते? पता नहीं ये बालाघाट में क्यों नाटक, तो इन पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भंडारा से आ रही थी। अच्छा, नारायण बस वाले ने बोले कि इस गाड़ी में उकवा की सवारी नहीं बैठ। कहाँ से? बालाघाट से। और उकवा से बालाघाट ले आते कि नहीं सवारी? बालाघाट की सवारी तो भरती जाते हैं ना? जाते हैं, वापसी में लेते नहीं है? नहीं ले रहे वापसी में। अच्छा। वापसी में एजेंट लोग बोलते कि उकवा की सवारी नहीं होना हमको। अच्छा, आगे की सवारी बिठा लेंगे पहले। अच्छा ठीक है, इसलिए उकवा के लोगों ने बस को खड़ी कर दी है। चलो ठीक, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।